तो भाई आज हमारे पास है दो ऐसे आईफोन जो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। तो पहला तो है भाई आईफोन 14 एंड सेकंड जो है आईफोन 15। एंड इन दोनों आईफोन्स को लेकर लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन भी है कि दोनों आईफोन्स में से कौन सा आईफोन हमारे लिए बेस्ट है एंड दोनों आईफोन्स में से कौन सा आईफोन इस टाइम पे हमें बाय करना चाहिए। एंड आई थिंक मोस्टली जो लोग आईफोन्स बाय करते हैं ना भाई, वो कैमरा क्वालिटी के लिए है जो आईफोन्स को बाय करते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में हम जो है इन दोनों आईफोन्स का जो है डिटेल में कैमरा कंपैरिजन करेंगे एंड देखते हैं कि दोनों आईफोन्स की कैमरा क्वालिटी में क्या डिफरेंस आता है। सो डोंट स्किप द वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों आईफोन्स के कैमरा स्पेक की। तो दोनों आईफोन्स की बैक साइड पे भी है हमें सेम ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, बट जो दोनों आईफोन्स की कैमरा स्पेसिफिकेशन में भाई वो थोड़ा चेंज है। वो क्या है कि जो आईफोन 14 है भाई, उसकी बैक साइड पे हमें मिलते हैं 12 मेगापिक्सल का ड्यूल कैमरा सेटअप। फर्स्ट वन जो है हमारा वाइड एंगल कैमरा, यानी कि जो हमारा मेन कैमरा होता है वो आता है 26mm फोकल लेंथ के साथ। एंड जो सेकंड कैमरा है दैट इज अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा जो आता है 13mm लेंस के साथ। अब बात करें आईफोन 15 की, तो आईफोन 15 में भाई हमें थोड़ा चेंज देखने को मिल जाता है। वो ये है कि जो आईफोन 15 का मेन कैमरा यानी कि जो हमारा वाइड एंगल कैमरा है वो आता है 48 मेगापिक्सल के साथ विद 26mm फोकल लेंस के साथ। एंड जो सेकंड कैमरा है वो सेम भाई अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा ही है जो सेम 12 मेगापिक्सल का है और आता है 13mm डायनेमिक रेंज के साथ। तो चलिए अब कर लेते हैं दोनों आईफोन्स का कैमरा टेस्ट। एंड सबसे पहले जो हम टेस्ट करेंगे भाई इनका जो हमारा वाइड एंगल कैमरा यानी कि जो हमारा मेन कैमरा सेंसर होता है उसको टेस्ट करेंगे एंड देखते हैं कि दोनों आईफोन्स की नॉर्मल फोटो की क्वालिटी में क्या डिफरेंस आता है। एंड आपको एक चीज़ बता दें कि जो आईफोन 14 है भाई, उसके जो नॉर्मल फोटो मोड में हमें जो है दो ऑप्शन मिलते हैं जिनमें हम फोटो को क्लिक कर सकते हैं 0.5x एंड 1x। एंड जो आईफोन 15 है भाई, उसमें हमें 3 मोड मिल जाते हैं जिसमें हम नॉर्मल फोटो को शूट कर सकते हैं 0.5x, 1x एंड 2x। और एक और कमाल का फीचर है भाई जो हमें आईफोन 15 में देखने को मिलता है भाई, वो है इसका हिप मैक्स वाला फीचर। यानी कि आईफोन 15 से जो है भाई हम एक फुल फ्रेम 48 मेगापिक्सल की फोटो को भी क्लिक कर सकते हैं, और ये एक बहुत ही कमाल का फीचर है भाई जो हमें आईफोन 15 में देखने को मिलता है। सो ये एक मेजर डिफरेंस है भाई दोनों आईफोन्स के जो है नॉर्मल यानी कि वाइड एंगल कैमरा में। एंड सो अब कुछ फोटोज के सैंपल क्लिक करते हैं। एंड एंड नाउ कम टू द पोर्ट्रेट मोड। सो भाई पोर्ट्रेट मोड में भी जो है हमें एक मेजर डिफरेंस है जो दोनों आईफोन्स में देखने को मिलता है, वो ये है कि जो आईफोन 14 है भाई, उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ 1x पोर्ट्रेट का फीचर देखने को मिलता है। एंड जो आईफोन 15 है भाई, उसमें हमें 1x के साथ साथ जो है 2x टेलीफोटो जूम लेंस वाला फीचर भी देखने को मिलता है। यानी कि जो 2x पोर्ट्रेट वाली फोटो होती है भाई, वो हम आईफोन 15 से भी क्लिक कर सकते हैं। और ये बहुत ही कमाल का फीचर है जो अब से पहले हमें सिर्फ और सिर्फ जो है प्रो मॉडल्स में ही देखने को मिलता था, यानी कि जो 3 कैमरा वाले आईफोन्स होते हैं। सो ये फीचर अब से पहले हमें सिर्फ उनमें ही देखने को मिलता था। सो एंड नाउ कम टू द वीडियो पार्ट। सो एक वीडियो शूट करेंगे भाई दोनों आईफोन से एंड देखते हैं कि दोनों आईफोन्स की वीडियो क्वालिटी में क्या डिफरेंस है। एंड आपको बता दें कि जो दोनों आईफोन है भाई, वो मैक्सिमम 4K 60fps तक जो है वीडियो को शूट कर सकते हैं, बट जो एक मेजर चेंज है दोनों आईफोन्स में वो ये है कि जो आईफोन 14 है भाई, उसमें हमें सिर्फ 2 मोड मिलते हैं जिनमें हम वीडियो को शूट कर सकते हैं 0.5x एंड 1x। एंड जो आईफोन 15 है, उसमें हमें 3 मोड मिल जाते हैं 0.5x, 1x एंड 2x। सो अब कुछ वीडियोस के सैंपल क्लिक करते हैं। एंड सो अब बात कर लेते हैं भाई सिनेमैटिक मोड की, तो दोनों आईफोन्स में ही भाई हमें जो है कमाल का सिनेमैटिक मोड देखने को मिल जाता है। एंड जो दोनों आईफोन्स हैं भाई, वो सिनेमैटिक मोड में जो है मैक्सिमम 4K 30fps तक वीडियो को जो है शूट कर सकते हैं। सो चलिए अब कुछ वीडियोज़ के सैंपल क्लिक करते हैं दोनों आईफोन्स के सिनेमैटिक मोड में। एंड लेट्स सी द डिफरेंस।
एंड फाइनली कम टू द एक्शन मोड। तो भाई दोनों आईफोन्स में जो है हमें एक्शन मोड का फीचर देखने को मिल जाता है, यानी कि वीडियो स्टेबलाइजेशन वाला जो फीचर होता है वो वही हमें दोनों आईफोन्स में जो है सेम देखने को मिल जाता है। सो चलिए अब कुछ वीडियोस क्लिक करते हैं दोनों के एक्शन मोड में एंड देखते हैं कि दोनों आईफोन्स के एक्शन मोड की वीडियो क्वालिटी में क्या डिफरेंस है। सो